नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। 16वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव इस बार 31 अक्टूबर को शुरू होगा। 3 नवंबर तक चलने वाले इस नृत्य महोत्सव में विदेशी सरजमी से स्पेन, इटली, इसराइल, ईरान, रशिया, किर्गिस्तान और श्रीलंका के विदेशी कलाकार ग्वालियर में आकर ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देश के अनेक राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के हजार से अधिक कलाकार अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। उद्भव उत्सव का आयोजन उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान और ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल मिलकर कर रहे हैं। उद्भव संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डांस फेस्टिवल में ट्रिपल आईटीएम और जीवाजी क्लब का विशेष सहयोग रहेगा। 31 अक्टूबर को कार्निवल एक्टिविटी थीम रोड से शुरू होगी, जिसमें विदेशी कलाकार अपने देशों के पारंपरिक परिधानों में डांस करेंगे। 1 नवंबर को पर्यटन प्रबंध संस्थान में डांस के फर्स्ट राउंड्स होंगे। हर समूह का विजेता दल 3 नवंबर को ट्रिपल आईटीएम में प्रस्तुति पेश करेगा। अंत में 3 विजेताओं को घोषित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में जो भारतीय कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन कलाकारों को उद्भव संस्थान हमेशा इंटरनेशनल स्टेजेस पर हुनर दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता से जो भी उत्कृष्ट कलाकार चुने जाएंगे, वह कलाकार अगले साल फॉरेन कंट्रीज में जाकर प्रस्तुति पेश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे, सचिव दीपक तोमर के साथ ग्रीनवुड स्कूल की चेयरपर्सन किरण भदौरिया, जीवाजी क्लब के अध्यक्ष राजीव कुकरेजा और सचिव डॉक्टर नीरज कौल उपस्थित थे। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट।